गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे ए ग्रेड यूट्यूब चैनल में। जैसा कि अपने लेसन चल रहा है भारत का वैभव कूटनीतिक, इसमें अपने पिछली क्लास में पढ़ा था भारत के जो आर्थिक सामाजिक जीवन के बारे में और उसके वैदिक काल को जानने के मतलब क्या क्या स्रोत है, इनके बारे में अपने देखा था। और इसके अलावा जो प्रमुख रूप से अपने उनके भारतीय जो समाज के किस प्रकार से चलन था वो अपने देखा है, अपने संस्कार वगैरह वो इसमें देख लिए थे और किस प्रकार से मतलब चार आश्रमों में बांटा भारतीय समाज को, ये अपने जानकारी प्राप्त की। आज उससे आगे अपन शुरू करते हैं कि जो वैदिक काल है वही टॉपिक चल रहा है। वैदिक काल के अंदर धार्मिक जीवन कैसा था, यानी वैदिक काल में धर्म की क्या अवधारणाएं थी, किस प्रकार से देवताओं की स्तुति होती थी, कौन कौन से देवता प्रमुख थे, इनके बारे में जानकारी पढ़ेंगे। इसके अलावा उनका आर्थिक जीवन कैसा था, वैदिक काल में जो अपने भारतीय आर्य समाज के लोग थे उनका आर्थिक जीवन कैसा था, इसके बारे में उनकी कला के वैदिक काल कला कैसी थी, उसमें कौन कौन सी कलाओं का विकास हुआ वो मुख्य रूप से देखेंगे। और अन्य है विज्ञान, जिसमें विज्ञान में चार पांच अपने पॉइंट दे रखे हैं, उनके माध्यम से ये अपन सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे और इस प्रकार अपने ये वैदिककालीन समय पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं अपन वैदिककालीन सभ्यता। वैदिककालीन सभ्यता में पहला टॉपिक है अपने धार्मिक जीवन। जैसा कि नाम से पता चलता है धार्मिक जीवन, यानी तत्कालीन समय में धर्म में क्या क्या मुख्य बातें रही होगी और किस प्रकार से लोग हैं जो अपने भगवान की स्तुति करते थे। तो अपन ने उसमें तत्कालीन समय में प्रकृति के देवता, स्वाभाविक उस समय भी देवताओं का अभी तक प्रकृति करणी थे और देवताओं का गुणवाचक रूप में माना जाता था कि कौन कौन से देवता हैं। तो देवताओं को उस समय मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था, तीन भागों में, जिसमें पहला है स्वर्गवासी देवता, अर्थात जो अपने आकाश में रहते हैं। जैसे कि वर्तमान में अपन बात करें सूर्य, उस समय के जो देवता में आकाश वाले देवता थे, सूर्य है, सावित्री है, उषा है, ये जो सूर्य और इनके संबंधित जो आकाश के जितने भी है बहुत सारे इससे संबंधित देवता आते हैं। इसके बाद में दूसरा आता है, इनको देवताओं के अंदर बांटा था पृथ्वीवासी देवता, पार्थिव देवता, यानी पृथ्वी के ऊपर जो अपने पृथ्वी दिखाई देती है, तो स्वयं पृथ्वी को एक देवता के रूप में माना है। इसके अलावा अपने सोम, जो सोम रस कहा जाता है, पेय पदार्थ का जो अपने मतलब एक पौधा होता है तो उससे मतलब एक नशे से होती है प्रवृत्ति, तो उसको सोम है, उसको भी एक देवता के रूप में माना है। बृहस्पति वगैरह है जो मुख्य रूप से पृथ्वी के देवता माने जाते हैं। फिर इसमें तीसरे तौर जो देवता को बांटा है वो है वायुमंडलीय देवता, अर्थात अंतक्षवासी देवता कहा जा सकता है, जिसमें जो अपने वायुमंडल हवा से संबंधित और इनमें है, जिसमें अपन देखते हैं जो बिजली कड़कती है उसको भी देवता के रूप में माना है। इसके अलावा तेज हवाएं चलती है उनको भी देवता के रूप में माना है। तो वरुण है, जो बारिश होती है, इंद्र को भी देवता माना है, देवताओं का राजा भी इंद्र को माना है। तो इंद्र है, मरुत है, ये इसमें मुख्य रूप से देवता माने जाते हैं। तो ये अपने तीन देवताओं को तीन भागों में बांटा है। देवताओं का मानवीकरण किया गया है, यानी देवताओं को मानव रूप में दर्शाया गया है। और इसके अलावा इनके गुणों को अलग अलग देवताओं के अलग अलग गुण बताएं। लेकिन एक अन्य यहाँ पर एक विचारधारा आती है कि देवता बहुत सारे हैं, लेकिन अथर्ववेद में लिखा गया है कि जो सत्य है हमेशा एक होता है, लेकिन उसको अन्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अपने जो इसका जो मुख्य बात दे रखी है वो अपन देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है अपने कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है लेकिन उसको बहुत सारे नामों से अलग अलग जाना जाता है। जैसे अपन बात करें उदाहरण देखिए, मैं सामान्य रूप से समझाता हूँ। जैसे अपने पिताजी है, अपने जो पिताजी है वो अपने दादा के क्या होते हैं, बेटे होते हैं, और वही अपने पिताजी है अपनी माता के क्या होंगे, अपने माता के क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। वही पिताजी एक ही है लेकिन वो अपने क्या हो जाएंगे, अपन स्वयं माने तो अपने क्या हो जाएंगे, पिता होते हैं, अपनी बहन के पिता होते हैं, इनके जो भाई है पिताजी के भाई है, यानी अपने अंकल हुए, भाई के क्या हो जाएंगे, वो उनके भाई होंगे, उनकी बहन के वो भाई होंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग रिलेशन वाले, व्यक्ति एक है लेकिन वो अलग अलग रिलेशन वालों के लिए अलग अलग रूपों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ऐसे के ऐसे देवताओं के अंदर भी माना गया है कि सारे देवता है जो एक ही है, लेकिन उनको सभी व्यक्तियों ने अपने अपने हिसाब से उनको क्या दे रखे हैं, नाम दे रखे हैं। तो ये मुख्य रूप से बातें बताई गई। इसके अलावा ब्रह्मा और आत्मा को एक बताया, यानी एक सभी जो ब्रह्मा है वही सर्वे सबसे बड़ी सत्ता है और सभी लोग उन्हीं से जुड़े हुए हैं। वो इस अंतिम रूप से मनुष्य है जो मरने के बाद में ब्रह्मा में क्या हो जाता है, उसमें विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार से भारतीय धर्म की जो मुख्य रूप से अवधारणा दे रखी है। और इसके अलावा जो धार्मिक प्रवृत्ति थी, भारतीय धर्म भगवान को
तो वो स्तुति के माध्यम से, उपासना के माध्यम से और यज्ञों के माध्यम से भगवान को याद किया जाता है। जैसा कि वर्तमान में भी अपन देखते हैं, भगवान को याद करने का तरीका, उनका नाम स्मरण किया जाता है, उनको विभिन्न प्रकार के भोग दिए जाते हैं, उनको प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है और समय समय पर उनकी स्तुति की जाती है। मुख्य रूप से यज्ञ हवन वगैरह करवाते हैं। तो उपासना की मुख्य विधि क्या थी? यज्ञ है, हवन है, उपासना है, स्तुति है। तो ये सारे क्या माध्यम थे? भगवान को याद करने के माध्यम थे। इसके अलावा जब माना जाता है कि भाई मनुष्य है, पाप कर्म करता है तो वो उसको नरक मिलता है, अच्छे कर्म करता है, सत्कर्म करता है तो उसको स्वर्ग मिलता है, तो इस प्रकार से इसमें अपने अवधारणा दे रखी है कि मनुष्य को अच्छे कर्म करते हुए क्या करना चाहिए, अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। और इसका अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मनुष्य को भाई किस प्रकार से मोक्ष वगैरह की प्राप्त की जा सकती है, तो वो सारी जो किस विधियाँ दे रखी है वो मुख्य रूप से मोक्ष प्राप्ति की विद्या मानी जाती है। तो ये अपने हो जाएगी धार्मिक उपलब्धियाँ। उसके बाद में आता है वैदिककालीन। अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? धार्मिक उपलब्धियाँ अपने किसकी पढ़ी है? वैदिककालीन धार्मिक उपलब्धियाँ पढ़ी है। अब वैदिककालीन आर्थिक उपलब्धियाँ। तो जब भी आर्थिक किसी भी टॉपिक में आर्थिक नाम आ जाए तो उसमें मुख्य रूप से अपने तत्कालीन समय के व्यापार वाणिज्य और उनका माध्यम होना चाहिए कि इनकम के लोगों के स्रोत क्या थे। तो उसमें मुख्य रूप से जो अपन बात करते हैं, मैंने बताया था कि वैदिककालीन जो संस्कृति कैसी थी, एक ग्रामीण संस्कृति थी। कैसी थी? एक ग्रामीण संस्कृति। तो ग्राम सभा की ग्रामीण संस्कृति है तो उनकी मुख्य आय का स्रोत क्या होगा? कृषि होगा। और कृषि होगा और कृषि के साथ साथ में क्या होगा? पशुपालन। क्यों? क्योंकि खेती और पशुपालन है दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कृषि कार्य होता था और कृषि कार्य के अंदर भी मुख्य रूप से जो उसमें गेहूँ है, जौ है उस समय की महत्वपूर्ण फसल थी। इसके अलावा चना, दालें वगैरह बोई जाती थी और उनके माध्यम से कृषि की जाती थी। कृषि में हलों का, लकड़ी के हलों का वगैरह प्रयोग किया जाता था। और इसके अलावा उस समय तक अपने लो अयस्क की जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता में अपन ने देखा था कि उस समय कांस्य के सलन था और तांबे के ज़्यादातर हशिये और ये मिलते थे। और इस काल तक आते आते लो अयस्क के उनको जो आविष्कार हो चुका था, तो यहाँ पर अपन को विभिन्न प्रकार के हशिये वगैरह लो अयस्क के मिलते हैं। इसके अलावा जो पशुओं के माध्यम से बैल वगैरह के माध्यम से खेती में हल वगैरह जोते जाते थे, तो ये है। और इसके अलावा अपन को कुल्या, कई कई नाम आता है कुल्या यानी नहरें, कुल्यों का भी अपने इस समय चलन हो गया था वैदिक काल में। और नहरें निकाल कर भी कृषि को प्रोत्साहित किया जाता था, तो ये भी मुख्य बात है। और इसके अलावा पशुपालन, इस समय तक मैंने बताया था कि हड़प्पा काल के अंदर पशुओं का पालन दूध के लिए नहीं किया जाता था। पहली बार जो अपने दूध के लिए पशुओं का पालन किया जाता है वो किस काल में किया जाता है? वैदिक काल में। तो इस समय तक गाय का, पशुओं में भी सबसे महत्वपूर्ण किसको माना जाता था? गाय को माना जाता था। गाय को आय व्यय का मतलब जो लेन देन का माध्यम, व्यापार के अंदर जो लेन देन होती है उसका भी माध्यम माना जाता है अपने गाय को। तो जैसे कोई वस्तु खरीदनी है तो अपन गाय देंगे और उसके बदले अपन वस्तु लेके आ जाएंगे। इसके अलावा जो मुख्य रूप से गौपति कहा जाता था, गवेशु कहा जाता था, विभिन्न प्रकार के नाम भी गायों के ऊपर दे रखे हैं। अपने जो कुंवारी कन्या होती है उनको भी गायों के नाम से जाना जाता है और विभिन्न प्रकार के ऐसे नाम मिलते हैं जो गायों से जुड़े हुए हैं, इसलिए अपन को इसका महत्व पता चलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण था उसमें, सबसे जो महत्वपूर्ण पशु है वो गाय को मानी जाती है। और वर्तमान में भी अपन देखते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। गाय को माता के रूप में माना जाता है कि भाई गाय है जो हमारी माता है, क्योंकि गाय है जो एक बहुत ही सीधा साधा पशु होता है और वह अपने वो मतलब सरल रूप में है जो दूध वगैरह की आपूर्ति करते हैं। तो पशुपालन का महत्व बढ़ गया था और पशुपालन में भी गाय का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। गाय की तो पूजा तक की जाती थी, ये मुख्य रूप से महत्वपूर्ण था। और लेन देन के माध्यम में भी गाय का उपयोग किया जाता था। फिर अगला आता है व्यापार वाणिज्य। उस समय तक व्यापार वाणिज्य इतना बड़ा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी व्यापार वाणिज्य होता था और उसके अंदर विभिन्न प्रकार के उस समय सोने, चांदी और इनके विभिन्न प्रकार के आभूषण वगैरह बनाए जाते थे। और इनके अलावा मुख्य रूप से सूती वस्त्र वगैरह है, इनके सन के वगैरह कपड़े बनाए जाते थे। सूती वस्त्र का इस समय तक उपयोग है कपड़े वगैरह बनाने में कर लिया जाता था। तो इसके रूप में व्यापार वाणिज्य है भारत का अच्छा था। वैदिक काल में भी भारत से विदेशों में वगैरह जो कपड़ों का वगैरह निर्यात किया जाता था। तो मुख्य रूप से ये अपने व्यापार वाणिज्य में बहुत महत्वपूर्ण रोल भारत का हो चुका था। तो ये हो जाएगा। फिर नया रकम अपन देख लिया। तो इस प्रकार से व्यापार पहले हो जाएगा कृषि के साथ साथ में पशुपालन, और इसके अलावा व्यापार वाणिज्य मुख्य रूप से आभूषण वगैरह का निर्माण होता था। इसके अलावा कपड़ों वगैरह, सूती वस्त्र वगैरह का निर्माण इस समय मुख्य रूप से होता था और उनका निर्यात वगैरह भी होता था। व्यापार भी आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों प्रकार से व्यापार होता था। आंतरिक व्यापार था जो भारत के आसपास के क्षेत्रों में, भारत के अंदर ही जो व्यापार होता था वो आंतरिक व्यापार की संकल्पना में आता था, और जो विदेशों से व्यापार होता था वो विदेशी व्यापार की संकल्पना में आता था। मुख्य रूप से आर्थिक क्रिया ये होती थी।
तो ये हो जाएगा अपने वैदिक काल आर्थिक क्रियाकलाप, और उसके बाद में आता है अपने कला एवं मूर्ति। जैसा कि नाम से पता चलता है कला यानी आर्ट, जब व्यक्ति खाली समय में होता है तो वो अपने मनोरंजन के लिए विभिन्न साधनों के अपनाता है, वो सारे किस्में आ जाएंगे कला, जिसमें चाहे संगीत हो, चाहे नृत्य हो, चाहे मूर्ति हो, चाहे अपने मंदिर निर्माण वगैरह हो या कोई भवन निर्माण वगैरह हो। तो नृत्य तो उस समय कोई अपने ऑनलाइन माध्यम नहीं था, तो उस समय के नृत्य अपन को नहीं प्राप्त मिलते हैं, लेकिन फिर भी नृत्यों के वगैरह ग्रंथ वगैरह मिलते हैं, तो उनसे अपन को जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा संगीत वगैरह का भी उस समय के ग्रंथ वगैरह से अपन को इसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन जो मूर्तिकला है और जो भवन निर्माण कला है, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। और इसमें अभी वैदिक काल में क्या हुआ, अपने भारतीय धर्म में तो इतने मूर्तिकला वगैरह का महत्व नहीं था, लेकिन तत्कालीन समय में जो दो धर्म आए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिसमें भगवान महावीर ने भी मूर्तियों का मना किया था और भगवान बुद्ध ने भी मूर्तियों का मना किया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद में सर्वाधिक मूर्तियां हैं जो भगवान बुद्ध की बनाई जाती है, और जैन धर्म में भी हजारों लाखों की तुलना तादाद में मूर्तियां बनना शुरू हो जाती है, उनको भी भगवान के रूप में मान लिया जाता है और उन्हीं की मूर्तियां बनाना लोग है जो शुरू कर देते हैं। तो इनके लिए अपने उस समय बहुत सारे बौद्ध विहार बने, चैत्य बने, इसके अलावा जो हिंदू धर्म की बात करें तो उस समय बहुत सारे अपने मंदिर वगैरह बने, तो इन मंदिरों में अपन को कलाओं की जानकारी प्राप्त होती है। और मूर्ति कला में दो जो कलाओं का फेमस हुआ, एक तो गांधार मूर्ति कला थी और एक अपने मुख्य रूप से जो द्रविड़ मूर्ति कला मुख्य रूप से मानी जाती है। तो ये दो मुख्य कलाएं थी। और इसके बाद में अपन बात करें आभूषण निर्माण की, तो आभूषण निर्माण में व्यापार वाणिज्य में मैंने बताया है सोने चांदी के वगैरह विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते थे, तो ये अपने मुख्य रूप से कला के स्रोत हो जाएंगे। इसके अलावा तत्कालीन समय के जो अपन ने देखा है कांस्य की वगैरह मूर्तियां बनाई जाती थी, इसको आभूषणों में सोने चांदी को गला के भट्टियों में फिर उनसे विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती, तो बहुत सी खूबसूरत मूर्तियां थी। इसके अलावा बौद्ध और जैन के जो स्तूप बने हैं, काले के क्षेत्रीय बने हैं, इनके अलावा जो गुफाएं बनी है अजंता एलोरा की गुफाएं, उन गुफाओं में भी अपन को इनके खूब सारे उदाहरण मिलते हैं तत्कालीन समय की कला, और इनकी जानकारी बहुत ही विस्तृत रूप में प्राप्त होती है। तो ये हो जाएंगे। इसके बाद में बात करें विज्ञान की, जैसा कि मैंने लिखा है विज्ञान में अलग अलग प्रकार से अपन इनका देखते हैं, चिकित्सा विज्ञान को अलग रखा है, अपने गणित को अलग रखा है, खगोल एवं ज्योतिष को अलग रखा है, और भौतिक और रसायन को अलग रखा है। तो ये मुख्य रूप से, तो पहले बात करते हैं विज्ञान और कला की। तो तत्कालीन समय में कला और विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने जो अभूतपूर्व वृद्धि की है, उस समय जो भारत ने विश्व को जो जानकारियां दी है वो तत्कालीन समय में विश्व के जो तुलना में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो देखते क्या है, पहला चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो चिकित्सा विज्ञान के अंदर भारत के अंदर जो महान व्यक्ति थे, सुश्रुत है, शरक है, इन व्यक्तियों ने जो जानकारियां दी है वो तत्कालीन समय के इतिहास की सबसे बड़ी जानकारियां हैं, जो उन्होंने शल्य चिकित्सा की जानकारी दी है सुश्रुत वगैरह ने। इसके अलावा जो पतंजलि की बात करें, जिसमें उन्होंने आयुर्वेद की जो जानकारी दी है, जो तत्कालीन इतिहास में आयुर्वेद का जो भारत ने जो जानकारी दी है वो तत्कालीन विश्व के अंदर किसी ने नहीं दे पाया है, इसलिए भारत को उस समय भी लोग है जो भारत में आते थे और यहाँ से जानकारियाँ प्राप्त करते थे, सीखते थे, इसीलिए भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिया हुआ है। तो चिकित्सा विज्ञान के अंदर अभी मैं थोड़ी जानकारी देता हूँ, फिर अपने किताब के माध्यम से विस्तृत से देखेंगे क्या क्या किस किस ने क्या क्या जानकारी दी है। तो चिकित्सा की जानकारी संबंधित होगी, सुश्रुत वगैरह इन्होंने जो उस समय शल्य चिकित्सा वगैरह की जानकारी दी है, विभिन्न प्रकार के बीमारियों के उपाय बताए हैं, कैसे रोकथाम किया जाए, इनकी जानकारी दी है। तो तत्कालीन समय का बहुत ही महत्वपूर्ण वैदिक काल के अंदर ये अपने जानकारी का माध्यम था। फिर आते हैं गणित की बात करें, तो बिना भारत के गणित हो ही नहीं पाती विश्व के अंदर। अपन बात करें विश्व के तत्कालीन समय में 10^4 तक की केवल पूरा विश्व है जो जानकारी प्राप्त कर पाया था 34वीं शताब्दी तक, लेकिन भारत है उस समय जो एक जानकारी दी थी आगे बढ़ने 0 की, और उसके माध्यम से गणित के क्षेत्र में बहुत ही अभूतपूर्व वृद्धि हुई और जो हजारों लाखों की गणना है वो छुटकियों में होना शुरू हो गया, आसान हो गया। 0 का मान है जो देने वाला है वो भारत ही था और आर्यभट्ट ने दी। इसके अलावा तत्कालीन समय में जब विदेशियों को पता ही नहीं था, उस समय भारत ने बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इसके अलावा पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा वो पृथ्वी का शक्ल लगाता है, पृथ्वी सूर्य का शक्ल लगाती है, ये सारी जानकारी है आज से हजारों वर्ष पूर्व है जो भारतीयों ने दे दी थी गणित वगैरह के माध्यम से। तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो अगला है खगोल एवं ज्योतिष के क्षेत्र में, तो खगोल ज्योतिष में मैंने बता दिया पृथ्वी की वगैरह घूर्णन वगैरह की जानकारी दी है, इसके अलावा जो ग्रह नक्षत्र की जानकारी है ज्योतिष के माध्यम से वो भारतीय की जो देन है वो विश्व में अभूतपूर्व है, ऐसी जो जानकारी है कहीं पर नहीं मिलती है। इसके अलावा भौतिक के बारे में बात करें, कणाद ने वगैरह जो सिद्धांत दिए, नागार्जुन वगैरह ने सिद्धांत दिए हैं,
इसके अलावा रसायन की बात करें तो रसायन के अंदर अपन ने मेहरोली का लोह स्तंभ, जैसा कि नाम सुना होगा मेहरोली में लोह स्तंभ है, उस लोह स्तंभ को इस प्रकार से रसायनों से मिलाकर बनाया है जो तत्कालीन समय में से लेकर आज तक ऐसा कैसा खड़ा है, उसमें किसी प्रकार का जंग वगैरह नहीं लगा है। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये अपने जानकारी प्राप्त होती है इससे। और इसके अलावा अन्य जो जानकारियां हैं, जो तत्कालीन समय की जानकारियां हैं, भारत को एक वैभवपूर्ण अतीत की जानकारी अपन को देता है। तो ये अपन देख लेते हैं किताब के माध्यम से। मैं आपको इसकी मुख्य मुख्य सारी बातें हैं वो बता देता हूँ। पहले है अपन बात करें जो धार्मिक जीवन की, मैंने बात बताई है, तो सारी प्राकृतिक शक्तियाँ थी उन्हीं को देवता के रूप में माना गया है और उनको मनुष्य के साथ में जोड़ा गया है। तो ये मुख्य रूप से है। इसके बाद में तीन भागों में बांटा गया आपने देवताओं को, ये अपन बता दिया, जिसमें सर्वराशी देवताओं में एक तो घोष है, वरुण है, सूर्य है, सावित्री है, अदिति है, उषा है, मित्र है, विष्णु है, अश्विनी है, और ये मुख्य रूप से सूर्यवासी देवता कहे जाते हैं। फिर आते हैं पृथ्वीवासी देवता। पृथ्वीवासी देवता जो पृथ्वी पर होंगे, जिसमें अपने स्वयं पृथ्वी है, अग्नि आग भी पृथ्वी पर रहती है। सोम की बात करें तो सोम रस मैंने बताया एक पौधा है जिससे अपने नशा चढ़ता है, तो वो सोम है। इसके अलावा बृहस्पति और सरस्वती जो अपने ब्रह्मा की पुत्री माना जाता है। इसके अलावा जो अपने मुख्य रूप से विद्या की देवी मानी जाती है तो सरस्वती है। इसके अलावा वायुमंडलीय देवता जिसमें वरुण है, वात है, इंद्र है, रुद्र है, पर्जन्य, मारुति, पुकी मुख्य रूप से देवता है और उनकी प्रार्थना और स्तुति के माध्यम से इनको याद किया जाता है। इसके अलावा एकम शत विप्रा सदा बहुधा वदन्ति, ये भी मैंने बताया दिया, उदाहरण देकर बताया किस प्रकार से एक व्यक्ति है लेकिन उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो सत्य एक ही लेकिन उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये बताया है। फिर इसमें बताया कि बर्मा से संपूर्ण पृथ्वी की उत्पत्ति होती है और सारी पृथ्वी है जो बर्मा से जुड़ी हुई है और उसी से उसका मतलब आत्मा है जो बाद में पुनः इसमें विलीन हो जाती है, बर्मा में ही विलीन हो जाती है। तो ये इसमें मुख्य रूप से बातें दे रखी है। इसके अलावा उस समय के तत्कालीन माप जो पुरुष थे उन्होंने भी इनके बारे में बताया कि उपनिषदों में क्या अच्छी अच्छी जानकारी दे रखी है। तो अपने बात करें जो वर्तमान के जो है जो महापुरुष जिसमें रामकृष्ण परमहंस है, स्वामी दयानंद सरस्वती वगैरह, इन्होंने उपनिषदों से ज्ञान प्राप्त किया और इनका प्रचार करने का कार्य महत्वपूर्ण रूप से किया है। तो ये मुख्य बातें हैं। इसके अलावा आर्थिक जीवन की उपलब्धियों की बात करें तो मैंने बताई दिया किस प्रकार से व्यापार वाणिज्य होता है। कृषि सबसे महत्वपूर्ण उस समय का व्यापार वाणिज्य का माध्यम था और कृषि के ऊपर ही सारी जो वैदिक कालीन संस्कृति है टिकी हुई थी, ये अपन ने जानकारी दे दी है। इसके अलावा नहरों की बात बता दी। इसके अलावा जो गाय का महत्व है उसके बारे में बताते हैं कि एक प्रतिमा की बात करते हैं कि एक प्रतिमा की कीमत है जो 10 गायों के बराबर बताई गई। इंद्र की एक प्रतिमा थी उसके बारे में जो किसी जानकारी दे रही है। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य में 100 पतवार वाली एक नाव का भी अपने को इसमें उल्लेख मिलता है। तो ये मुख्य रूप से तत्कालीन समय का व्यापार वाणिज्य की बात की है। इसके अलावा दो प्रकार की कृषि, कृषि में भी दो प्रकार की कृषि है, एक तो वने हैं और एक है अपने जो अपने आप उगती है वो है कृषि। दो प्रकार की कृषि बताइए, एक तो वने कृषि, वने मतलब जो अपने आप जो उगती है जिनको किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं उगाते हैं तो वो तो हो जाएगी वने कृषि, और एक कृष्ट कृषि है जिसमें जो मनुष्य है स्वयं प्रयास करके उसको उगाता है वो कृष्ट कृषि हो जाएगी। तो ये दो प्रकार की कृषि होती थी। और कृषि पर टैक्स जो बताया है तो वैदिक काल के अंदर 1/6 भाग है जो टैक्स के रूप में लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 1/6, यानी जितने भी अपने कृषि का उत्पादन होगा उसका 1/6 हिस्सा है जो टैक्स के रूप में राजा को दिया जाता था, इसलिए राजा को षडभागी भी कहा जाता था। तो ये मुख्य रूप से मुख्य बातें हैं। इसके अलावा कला की मैंने बात बताई दी, उस समय के जो मुख्य रूप से कला है जैन और बुद्ध का काल की कहानी बहुत ज़्यादा फेमस हुई और मंदिर मठ क्षेत्रीय विहार और स्तूप बने गए और विभिन्न प्रकार की। और इसमें जो दूसरी कला है द्रविड़ कला न होकर कौन सी है? मथुरा कला। कौन सी कला है? मथुरा कला। यहाँ पर गांधार कला और दूसरी कला है मथुरा कला। गांधार कला है जो अपन बात करते हैं भारत की, ये अपने भारत का हिस्सा है, तो यहाँ पर इसका विकास हुआ था कुषाण काल में। कुषाण काल में मुख्य रूप से विकास हुआ था जिसमें यूनान की और भारत की, यूनान और भारत दोनों की जो कला है मिश्रित रूप से बनी वो अपने कुषाण काल में विकसित हुई और गांधार क्षेत्र में होने के कारण इस कला को क्या कहा जाता है? गांधार कला कहा जाता है। और इसमें सर्वाधिक मूर्तियां बनी हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां निर्माण हुई है, ये महत्वपूर्ण। और अपने मथुरा कला है जो भारत के अंदर विशुद्ध रूप से भारतीय कला थी जो अपने मथुरा क्षेत्र में इसका विकास हुआ है, इसलिए इसको मथुरा कला के रूप में जाना जाता है। दो कला है मुख्य रूप से, कौन सी? एक गांधार कला, एक और मथुरा। इसमें मूर्तियों का निर्माण होता है और इसमें अलग अलग विशेषताओं के कारण इसको दो भागों में बांटा गया। तो ये मुख्य रूप से दो बातें हो जाएगी। फिर इसके अंदर आगे बात करें अपन कला में होगी, फिर
विज्ञान के संबंधित विज्ञान में चिकित्सा विज्ञान का मैंने बता दिया, जो आयुर्वेद का है जो भारत की तुलना में कहीं इतनी ज़्यादा उत्कृष्टता नहीं दिखाई देती है, इसके अलावा जो सुश्रुत वगैरह है, सड़क है, और एक महत्वपूर्ण नाम था धन्वंतरी, धन्वंतरी ने भी चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में भी इसमें जानकारी दे रखी है, किस प्रकार से प्रकृति के साथ में मनुष्य की जुड़ा हुआ है, ये भी सारे इसमें जानकारी दे रखी है। और प्रकृति में सारी जो जितनी भी औषधियाँ हैं वो औषधियाँ अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सारी इसमें जानकारी दे रखी है। इसके अलावा वाग्भट ने अष्टांग हृदय नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें भी उसने तत्कालीन समय की विभिन्न बीमारियों के बारे में वगैरह जानकारी दी है। इसके बाद में गणित की बात करें तो मैंने बता दिया भारत ने सबसे महत्वपूर्ण खोज की, आर्यभट्ट ने जो जीरो का आविष्कार किया है वो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है, और जो विश्व के अंदर सबसे जो गणित के क्षेत्र में अभूतपूर्व खोज है, जो इसकी कोई भी तुलना नहीं कर सकते हैं, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीरो है। बात करें जीरो का महत्व क्यों है, तो जीरो के कारण जो अपने संख्या है, यूनान वालों ने एक से लेकर नौ तक संख्या लाके रुक गए, अब नौ से आगे उनको बढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन जब भारत ने जीरो दिया तो जीरो का महत्व क्या है, जीरो अगर किसी संख्या के आगे कितनी बार लगा देंगे तो उस संख्या के मान में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन उसको जैसे पीछे लगाएंगे तो उस संख्या में क्या हो जाएगा, मान बढ़ता चला जाएगा। तो अब मान लो जैसे नौ तक हो गए, अब नौ के बाद में अपने आगे वापस संख्या नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो अपने क्या लिया, आगे का एक ले लिया और पीछे जीरो लगा दिया, तो कितना हो जाएगा, दस हो जाएगा। अब आगे का आगे, अब देखो एक से नौ तक के अंकों में पूरी अपने गणित कैसे जुड़ जाती है जीरो के कारण, तो एक आ गया, अब एक से लेकर वापस से आगे एक रहेगा और पीछे एक से गिनती शुरू कर देंगे और अपने 19 तक आगे रुक गए मान लो, अब 19 तक रुके और फिर आगे से वापस अपन ने क्या ले लिया, एक ले लिया, तो एक के बाद में संख्या आती है दो, और दो से वापस एक वाली संख्या शुरू हो गई और कितने आगे, अपने 29 तक आगे। अब इससे आगे वापस अपने जीरो का अगली संख्या लेके तीन लेंगे और इसके पीछे जीरो लगा देंगे, तो इस प्रकार से अपन एक से लेकर लाखों करोड़ तक इस संख्या को लेके जा सकते हैं, यानी जीरो के महत्व के कारण पूरा विश्व है जो गणित के सेक्टर में असंख्य संख्याओं तक पहुंच गया। इसके अलावा अपन बात करें जो पाई का मान, पाई का मान है जो अपने 4.1416 जो मान दिया गया वो भी अपने भारतीय तत्कालीन जो महत्व 3.1416 है जो तत्कालीन समय के जो मान में सबसे सटीक मान माना जाता है, ये अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व बात की गणित के क्षेत्र में खोज थी, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा नाम सुना होगा पाइथागोरस प्रमेय वगैरह, तो पाइथागोरस ने भी बहुत महत्वपूर्ण अपने ग्रंथ लिखे। इसके अलावा जो अन्य रूप से गणित के क्षेत्र में जो योगदान देने वाले नाम आते हैं, बोधायन है, उसने सुलभ सूत्र नामक जो ग्रंथ लिखा। इसके अलावा भास्कराचार्य जिसने अपने पुत्री के नाम पर लीलावती नामक एक ग्रंथ लिखा, जो भी गणित के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ था। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त ने जो सिद्धांत दिया घात के संबंधित, घात के विस्तार का सिद्धांत दिया है, वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो ये अपने भारतीय ज्ञान है जो पूरे विश्व में अपने भारत का मान बढ़ाता है, तो ये तत्कालीन समय में सारे वैदिककालीन समय में ही इनका विकास हुआ है। इसके बाद में बात करें अपने खगोल के क्षेत्र में, तो मैंने बता दिया ग्रह नक्षत्रों की जानकारी है जो इसके संदर्भ दी गई है, और इसके अलावा ग्रह अपने किस प्रकार से अपनी गति करते हैं वो सारी इसमें जानकारी दे रखी है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो 365 दिन का अपने वर्ष होता है, अधिक मास वगैरह जो, और जो नक्षत्र है चंद्र नक्षत्र है, इसके अंदर भी भारतीयों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रखी है। तो ये तत्कालीन समय का बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन किया है, उस समय कोई अपने दूरबीन या जो गैलीलियो द्वारा जिस तरह खोज की गई है वो जान नहीं थे, लेकिन फिर भी भारतीयों ने इन ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन बहुत ही विशेष तौर पर ध्यान रख के उनका किया और सटीक ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे अपन बात करें जो अपने हनुमान चालीसा है, उसमें भी अपने दे रखा है शस्त्र योजन पर लीलियो भानु, यानी जो सूर्य है शस्त्र योजन पर खड़ा है, तो जो उसका मान वर्तमान में दिया है उसमें कुछ ही मात्रा में से का अंतर है, मतलब थोड़ी अंतर है, इतना ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी तत्कालीन समय में भी उन्होंने इतना सटीक है जो अनुमान लगा दिया था, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो ये अपने जानकारी प्राप्त कर ली। इसके अलावा रसायन के क्षेत्र में बता दिया कणाद ने वैशेषिक दर्शन के अंदर अपने अणु के संबंधित जो परमाणु की बात करते हैं, अणु की बात करें, यानी कोई भी वस्तु को टुकड़ों में तोड़ते हैं तो सबसे लास्ट में एक अणु होता है और उसके बाद में धीरे धीरे वह अणुओं से मिलकर कोई भी वस्तु बनी हुई होती है, तो ये भी जानकारी कणाद ने दी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत माना जाता है। तो ये सारे अपने जानकारी हो जाएगी। इसके अलावा जो मैंने बता दिया रसायन के क्षेत्र में मेहरौली का लौह स्तंभ है जो तत्कालीन समय के इतिहास का सबसे बहुत महत्वपूर्ण है और आज भी वह लौह स्तंभ हजारों सालों से ऐसे खड़ा है और उसके ऊपर किसी प्रकार का जंग न लगना अपने आप में भारतीय तत्कालीन समय के भारतीयों का रसायन के क्षेत्र में ज्ञान है जो उसकी तुलना पर नहीं कर सकते, तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा पदार्थ संबंधित पदार्थ कैसे अपने उनके गुण होते हैं, कैसे उनकी रचना होती है, इनकी भी जानकारी उन्होंने व्यवस्थित रूप में उस समय दी थी और विदेशियों ने भी इस बात को माना है कि भारतीय है तो तत्कालीन समय के बहुत ही विशेष तौर पर उन्होंने ज्ञान को समृद्ध किया है, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। और इसी के ज्ञान के कारण भारत को क्या कहा जाता है, भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिया गया है और इसी आधार पर अपन कह सकते हैं
एक लेखक था जिसने अपने कहा था कि यूनान मिस्र रोम मिट गए सारे जहाँ से, एक हस्ती है कि मिटी नहीं यहाँ से, यानी भारतीय संस्कृति के बारे में कहा, भारतीय अपने जो सभ्यता के बारे में कहा है कि यूनान की सभ्यता भी समाप्त हो गई है, मिस्र की सभ्यता भी समाप्त हो गई है, रोम की सभ्यता भी समाप्त हो गई है, लेकिन भारतीय सभ्यता है अटूट रूप से आज भी चली आ रही है। जैसा कि मैंने बताया है कि अपने हड़प्पा सभ्यता में भी पीड़ा है कि भाई वहाँ पशुओं की पूजा होती थी, वैदिक सभ्यता में भी पीड़ा है कि पशुओं की पूजा होती है और पशु की पूजा अपन आज भी करते हैं। जैसा कि मैंने बताया है वनों की जो पूजा है हड़प्पा सभ्यता में भी होती थी, वैदिक सभ्यता में भी होती आई है और वर्तमान में भी अपन पीपल वगैरह की पूजा करते हैं, तो ये सभ्यता है अनवरत रूप से हमारे यहाँ पर चलती आ रही है और इससे भी पहले पता नहीं कहाँ तक जो इसका कालक्रम था वहाँ तक वो चलती रही होगी, इसके बारे में अपन को अपन अनुमान ही केवल लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि तत्कालीन समय का जो अपना आज पाठ पूरा होता है भारत का वैभव प्रति थे, अब तक जो अपन ने पढ़ा है चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, वैदिक सभ्यता हो, अपने पाषाण काल हो वगैरह, इनके बारे में जो जानकारी प्राप्त की है उसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि अपन गर्व से कह सकते हैं कि हम भारत के लोग हैं और भारत की संतति है और भारत का जो विकास हुआ है वो अटूट रूप से हुआ है और जो वैभव है भारत का वो सदा हमेशा भारत का मान सम्मान बढ़ाता रहा है। तो ये अपने महत्वपूर्ण है। आगे की क्लास में अपन एक ये सारे इसके क्वेश्चन आंसर है इनको एक बार मौके रूप से सॉल्यूशन कर लेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में सरलता लगेगी और अब तक जो पढ़ा है उसका सारांश में आ जाएगा। थैंक यू।